इन्फो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्रिप्शन जरूर करें और घंटी पे क्लिक जरूर करें। हमारे पास में एक डिजिटल मीटर है, इसमें प्रॉब्लम हो गई है। इसमें देखो ये दोनों ये कंटिन्यूटी मोड पे है। यहाँ पे ये देखो ये कंटिन्यू बीप पा रही है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसमें प्रॉब्लम कहाँ से आई है खोल के एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें देखो बहुत सारी जगह पे ये मेरे पास दूसरा मीटर है, मैंने भी ये देखो दूसरा मीटर है। यहाँ पे एक रेस्टेंट जल गई थी, ये रेस्टेंट लगी थी, उसके बाद में ठीक किया था। तो ये मॉडल में डिफरेंस है, ये देखो मॉडल का डिफरेंस है, ये मॉडल अलग अलग है। तो इसकी कंटिन्यूटी जो यहाँ आती है, यहाँ पे देखो यहाँ एक रेस्टेंट जली है, इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ एक बार। पास में सेम रेस्टेंट नहीं है तो इसकी जगह मैं एक बनके का रेस्टेंट ले लेता हूँ। मेरे पास में देखो ब्राउन, ब्लैक और रेड, ये तीनों कलर का ये रेस्टेंट है। और इसको लगा के एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, पहले सोल्डर कर लेता हूँ एक बार। यहाँ से टूट गया है, ये 1K का रेशन है। ये आपको सही तरीके से लगा देना है आपको। लेकिन बैटरी बाहर नहीं निकाली थी, आप चाहे तो छोटा करके भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लग गई है मेरी, एक बार इसको बैटरी लगा के चेक कर लेता हूँ ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई, ताकि आपको इस बार में एक चेक कर लेते हैं इसको। ये कंटिन्यूटी मोड पे रखना है वापिस, ये देखो ये बीप बंद हो गई है, यानी हमारा काम कंप्लीट हो गया है।
नहीं तो ये कंटिन्यू बीप बज रही थी, ये समस्या का समाधान हो गया है, ये अच्छा हुआ, नहीं तो ये मेरा मीटर खराब हो जाता था। देखो ये बीप का जो प्रॉब्लम थी ये सॉल्व हो गई है, आपको वापिस दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ये 1K का कनेक्शन लगाना है, यहाँ मेरे यहाँ थोड़ी पिन टूट गई थी, ये सोल्डर बड़ा आयरन से मैंने ये निकाल दिया था, ये इसको यहाँ एक कनेक्शन लगा देनी है 1K का, ब्राउन ब्लैक रेड ये तीन कलर है, ये लगाने से अपना ये कंटिन्यू बीप वाला समस्या समाधान हो जाती। ये किस कारण से होता है, यह तो आप एसी के अंदर आप गलती से आप एसी दे दोगे तो भी ये प्रॉब्लम होती है। सेकंड नंबर ये होता है कि ये आप कलर टीवी का काम करते हो, ईएचसी लग जाती है तो भी ये प्रॉब्लम होती है, ये नहीं इसके हाई वोल्टेज कंटिन्यू मोड में हाई वोल्टेज जाने से ये प्रॉब्लम होती है, आप उल्टा लगाओगे तो प्रॉब्लम होने वाली है, तो इसी का निवारण है ये। अगर आपने हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, इतने ये वापिस चेक कर दे, ये देखो कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, नहीं तो ये पूरा ये मीटर मेरा खराब हो जाता, नया मीटर ही था तो इसमें प्रॉब्लम हो गई थी। इतने टाइम हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं किया प्लीज़ सब्सक्रिप्शन जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।